अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू गेमिंग इंफॉर्मेशन। गाइस हमारी जो है ये लास्ट वीडियो है दौरान जो पेज वो लेके, जिसके ऊपर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपना लास्ट स्टेप यानी कि SQU को अपलोड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये SQU क्या होता है, तो भाई ये लास्ट स्टेप है। जैसे कि उससे पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने अपने चार स्टेप मुकम्मल करे, जिसके अंदर पहला स्टेप हमारा जो है वो एड्रेस बुक का था, सेकंड स्टेप जो है वो आईडी इन्फॉर्मेशन का था, थर्ड स्टेप जो है वो हमारा बैंक इन्फॉर्मेशन का, और जो फोर्थ स्टेप था जिसके अंदर हमने जो है वो पैकिंग मटेरियल ऑर्डर करा। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो हमारी लास्ट पार्ट होगी दराज रोड पीके को लेके, तो इंशाल्लाह जो है ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा अगेन जो है वो छोटी ही हो, और इसके अंदर मैं आपको फुल डिटेल देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको रेड रंग का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और उसको रेड ना छोड़ें, ग्रे करें ताकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और गाइस हम आ चुके हैं अपनी पीसी की स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे जो है आपके सामने चार स्टेप मुकम्मल हुए हैं। अब हम जो है वो अपना फिफ्थ स्टेप मुकम्मल करेंगे SQU का। गाइस जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हमने फर्स्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट का नाम देना है, तो यहाँ मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिख लेता हूँ, रिंग्स लिख लेता हूँ, या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है, कपड़े हैं तो क्लोथ लिख लें, या फिर जो भी आप चीज़ सेल कर रहे हैं, वॉच है, जो भी आइटम है आपका, वो आप यहाँ पे लिखें। लिखने के बाद आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करें। जैसे ही आप कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मजीद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि मेरे पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप सेटिंग में आ जाएं और जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं उसकी जो धात है, उसका जो मेटल है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ से आया, सेटिंग में जाके, यहाँ से आप जो है वो सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म कर दें। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक चीज सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको जो है वो सेलेक्ट से हटा नहीं सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ कि हमने जो है वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सेलेक्ट कर ली है। मैं कुछ सर्च भी कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है वो मैंने कॉपर सर्च कर लिया और इसको सेलेक्ट भी कर लिया है। अब यहाँ से आप जिसको चाह रहे हटाना उसके ऊपर क्लिक करें और उसको हटा दें, और हटाने के बाद जो है वो आप यहाँ से कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद आपको मजीद ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो हमें पहली चीज़ दिख रही है ब्रांड, तो अगर आपकी कोई ब्रांड नहीं है तो आप नो ब्रांड के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे हमें मॉडल नंबर देना है, तो यहाँ पर आप मॉडल नंबर भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर मॉडल नंबर जो है वो 1 लिखा है, आप को जो दिल में आए वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप नंबर देना चाहें। इसके बाद मटेरियल की जो मेटल है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, आप गोल्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सिल्वर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके मटेरियल की धात है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद एक्सप्रेस डिलीवरी है, तो यहाँ पे जो है वो मैं कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लिएगा। मैं जो है यहाँ से कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी जो भी सिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल डिस्क्रिप्शन का। अब ये डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने लिख के रख लेनी है। ठीक है, हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से मोर करने के बाद जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट कर दी है। पेस्ट करने के बाद अब जो चीज़ आपको हाईलाइट करनी है वो आप ऊपर दिए हुए ऑप्शन से बोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन का। इसके अंदर भी जो है वो आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से बातें लिख देनी है, और मैंने लिख के रखी हुई थी, पेस्ट कर दी, और इसको हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब होगी या आपने फिल नहीं करी होगी तो ये आपको वहाँ ले जाएगा। यहाँ पे जो है वो हमने ब्रांड सेलेक्ट नहीं करी, तो हम नो ब्रांड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप नो ब्रांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो ब्रांड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम अगेन सबमिट कर देंगे, या फिर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। तो अब हमने डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद अब हमसे ये बात पूछी जा रही है कि आपको जो डब्बा है उसमें क्या है, तो यहाँ पे मैंने अगेन कॉपी पेस्ट कर दिया है। जो भी बॉक्स के अंदर आपका सामान है वो आप कॉपी पेस्ट मार दें। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसका साइज़ क्या है और उसका कलर क्या है, तो जो भी आपके पास साइज़ अवेलेबल है, अगर आप कोई कपड़ा बेच रहे हैं तो स्मॉल, लार्ज, मीडियम, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो भी आपके पास कलर है, ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर, रेड, गोल्डन, जो भी आपके पास ग्रीन कलर्स मौजूद हैं, तो वो यहाँ पे आप बता दें और यहाँ पे वो डाल लें। उसके बाद जो है वो, जैसे कि यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है स्मॉल, मीडियम, ये टिप्स का पूछ रहा है, तो आप इसको ओके कर दें। आपको टिप्स देता रहेगा कि आप ये करें, आप वो करें। यहाँ पे हमने जो है वो साइज़ सेलेक्ट कर लिए हैं तीनों के तीनों। इसके अलावा अगर कोई अलग से साइज़ है, जैसे कि 24, 12, 6, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई शूज़ बेच रहा है या फिर कोई सैंडल बेच रहा है तो उसके अंदर जो है वो इस तरीके के साइज़ देखने को मिलते हैं, तो वो इस हिसाब से देख ले। इसके बाद जो है वो हमें कलर दिए हुए हैं, तो कलर भी आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आपने करनी है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करें। आपको जो प्रोडक्ट है आप उसके हिसाब से करें। यहाँ पे जो है वो हमें काफ़ी कलर्स दिखाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आपको यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर अपलोड करनी है। अब आप कोई ऐसी तस्वीर अपलोड करें जो साफ़ हो। अगर आपके पास साफ़ तस्वीर नहीं है तो किसी कैमरे से आप खिंचवा लें। ठीक है, इसके अलावा अब आप जो हैं वो कम से कम 3 तस्वीरें अपलोड करें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैं वो 8 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। अब 3 जो आपने मिनिमम तस्वीर अपलोड करनी है वो इस तरीके से करनी है जिसके अंदर जो है वो साइड से भी दिख रहा हो, बैक से भी दिख रहा हो और फ्रंट से भी दिख रहा हो। इससे जो भी आपका कस्टमर होगा
वो आपसे मुतमइन हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा। जैसे ही हमारी तस्वीर अपलोड होंगी तो नीचे हमें एक बात कही जा रही है कि आप जो है वो अलग अलग तस्वीर अपलोड करें। जो 8 बार आपको तस्वीर अपलोड करने का चांस दिया गया है, ये यूँ दिया गया है ताकि आप वैरायटी बना सकें। ठीक है गाइज, तो आप जो हैं वो तस्वीर अपलोड करेंगे अपने प्रोडक्ट की, तो वो अलग अलग कलर के अंदर अपलोड कर दिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हमने अपने प्रोडक्ट की कीमत रखनी है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे जो है वो मैं मिनिमम 99 रख देता हूँ। अगर आप इससे भी कुछ कम रखना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट की कीमत तो आप रख सकते हैं। ठीक है, और क्वान्टिटी लिखनी है, अमाउंट लिखना है, तो यहाँ पर जो है वो मैं तमाम आइटम्स के अंदर 99 डाल देता हूँ। अब आपके प्रोडक्ट की जो भी कीमत हो, जो कि आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट इतने में सेल आउट हो, तो वो यहाँ पे आप डाल दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने 99 डाल दिया है। तमाम प्रोडक्ट के अंदर, तमाम आइटम्स के अंदर मैं 99 डाल देता हूँ। इसके बाद हमें जो है वो क्वांटिटी लिखनी है कि हम इतने अमाउंट में कितनी क्वांटिटी देंगे। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक ही देंगे हम इतने अमाउंट के अंदर, तो यहाँ पर मैं 111 डाल देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप जो है वो सेलर SKU क्या रखना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है, आप छोड़ दें, इसको जो है वो बाद में खुद ही डिसाइड हो जाएगा। फ्री आइटम हम कोई नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इसके बाद अब हमसे लास्ट चीज़ पूछी जा रही है कि आप जो पैकेज डिलीवर करेंगे उसका अमाउंट क्या होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी चौड़ाई क्या होगी, उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है गाइस, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगी और वेट क्या होगा। वेट जो है वो केजी में दे रहा है। अब आपके पास जो भी सामान है, पैकेज है, या जो भी आपका प्रोडक्ट है, आइटम है, तो आप उसका जो बॉक्स है जिसको आप डिलीवर करेंगे, आप एक स्केल ले लें और उसकी जो है वो आप लेंथ नाप लें, उसके बाद जो है उसकी विड्थ नाप लें यानी कि उसकी चौड़ाई को नाप लें, उसके बाद जो है उसकी हाइट को आप मेजर कर लें कि उसकी हाइट कितनी है, और उसके हिसाब से जो है वो आप यहाँ पे फिल कर दें जिस तरीके से मैंने यहाँ पे फिल करी हुई है। वेट जो है वो केजी में देना है, मैंने पीछे भी बताया आपको। अब किस तरीके से देना है कि अगर आपका फ़र्ज कर लें 150 ग्राम है, तो आप उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। सीधा सादा हिसाब है मैथमेटिक्स है कि 150 डिवाइडेड बाई 1000 जो आंसर आएगा वो आपका केजी में होगा। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास जो है ये मैसेज शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है योर प्रोडक्ट हैज़ सक्सेसफुली बीन पब्लिश। सो गाइज, अगर हम इसका उर्दू तर्जुमा करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी मसनूआत शाया की गई हैं। सो गाइज, उम्मीद है ये पूरा कोर्स आपके समझ आया होगा। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कमा सकें इन्वेस्टमेंट करके भी और बग़ैर इन्वेस्टमेंट के भी, तो ये एक बेहतर वे है आपके लिए कि आप दराज पे काम करें, अपना पूरा स्टोर खोलें और ख़ुद मुख्तार होकर काम करें और महाना एक अच्छी रकम कमाएं। तो मिलते हैं गाइस आपसे किसी न्यू इन्फो वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। जो भाई ऑनलाइन कमाना चाहते हैं उनके साथ ही वीडियो लाजमी शेयर करें, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात के लिए आपसे माजरत, क्योंकि शुरू की जो मेरी वीडियो थी उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। बाकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।